Okay, hi everyone. So, today let's uh, discuss one interesting problem. So, it says a vertical rod is a hit at an end. Uh, what kind of wave propagates in the rod if the hit is made vertically, the hit is made horizontally? Okay. So, we have a vertical rod, and uh, with the help of a hammer or something, we are hitting one end of the rod. So, case A, when you are hitting vertically, something like this. एंड केस बी वेन यू आर हिटिंग इट हॉरिजोंटली सो किस तरह के वेव्स जनरेट होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साउंड वेवस बिकॉज जब हम हिट करेंगे दैन जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करेगा अलॉन्ग देंथ ऑफ द रॉड ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है लेंथ के अलोंग जो साउंड वेव है वो ट्रेवल करेगा एंड साउंड वेव इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल वेव राइट सो डजेंट मैटर वेदर यू आर हीटिंग इट वर्टिकली और हॉरिजोंटली साउंड वेव्स विल ऑलवेज बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स राइट जो लेंथ के अलॉन्ग इस रॉड के लेंथ के अलोंग साउंड ट्रेवल करेगा दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ रॉड इट सेल्फ अगर आप साउंड वेव की बात नहीं कर रहे हैं रेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ़ दिस रॉड देन ऑफकोर्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आप जब इसे इस तरह से हॉरिजोंटलीट करोगे देन इनका ट्रांसफर्स वेव्स भी जनरेट हो सकते हैं राइट सो आई थिंक यू हैव गॉट सम आइडिया वॉट आई वॉन्टेड टू से लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके एस की वर्किंग हेट बेस्ट ऑफ लक मै